तो गाइस अभी मेरे बोतल चल रही थी और उतर गया, वो जब कर गया ऐसी सेवा किया करो अपनी वाइफ की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा अस्पताल में तीसरा दिन, मतलब तीन दिन हो चुके हैं, मतलब परसों के दिन आए थे हम दिन में, डॉक्टर ने बोला था। तो और आज हमारा मतलब तीसरा दिन है। तो अभी हम कार में बैठे हैं और जेब और अंदर है क्योंकि डॉक्टर राउंड पे है, वहाँ पे डॉक्टर राउंड पे रहता है सारे, तो अंदर नहीं जाने देते, सबको बाहर निकाल देते हैं और सफाई वगैरह भी हो रही है अंदर। और पवन पीछे मेरा व्लॉग देख रहा है, पवन पीछे लेटा लेटा, और कार में कुछ भी नहीं अभी यहीं थे। तो जो भी होगा बताऊँगा, अभी अंदर चलते हैं फिर बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंदर तो जाने नहीं देते, वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ लेबर रूम में लेडीज़ रहती, ओनली जेंट्स नहीं रहते। तो मैं चल जाता हूँ, बाकी थोड़ी बहुत बातचीत करके चल जाता हूँ अंदर, फिर दिखाता हूँ अंदर आके एक बार आपको। ओके सो गाइस, अभी मेरे बोतल चल रही थी और उतर गया, वो जब कर गया तब से मैं नशे हो रहा था, मैं तब से सो रही थी, मेरे को टॉयलेट आ रहा तो भी नहीं पता कि मुझे टॉयलेट आ रहा है या नहीं आ रहा, और इंजेक्शन भी लगा था तो उसका भी नशा चल रहा था थोड़ा बहुत। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही हो तो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, तो इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी और मेरी आवाज़ भी बहुत कम निकल रही है फिलहाल। तो देखते हैं अब क्या होता है। उसके डॉक्टर ने बोला आपके चार इंजेक्शन पूरे हो गए, फिर हमने पूछा हमारी छुट्टी कब होगी, उन्होंने बोला कि देखते हैं क्या होता है। गाइस अभी भी हम अस्पताल में ही है और मैं घर चला गया था नाने, तो जेबा को देखा गया था, मैं जेबा ने शूट किया थोड़ा बहुत, फिर अभी बाहर आया हूँ मैं। तो अभी जाएंगे फिर अंदर, बताते हैं क्या होता है अंदर। अभी तो ये देखो पवन दोनों जा रहे हैं हम चाय पीने, चलो बेटा चाय पीने, परेशान हो गया भाई भी आज का। तो गाइस देखो मौसम भी बहुत ख़तरनाक हो रहा है, मौसम भी बहुत शानदार हो रहा है आज का। तो पानी आया था ना अभी, फिर अस्पताल में कुछ पता नहीं, छोड़ के चल गया था इसे, तो मैं अभी घर गया था कुछ लेने। तो गाइस अभी पी रहे हैं चाय, ये हमारे चाय वाले भैया। तो गाइस हम जेबा और मम्मी के लिए ले जा रहे हैं चाय, जेबा ने बोला था कि मेरे पार्ले जी बिस्कुट ले जाना ले आना, तो वो भी लेके जा रहा हूँ मैं। तो चलते हैं अंदर। गाइस हमने मम्मी को बाहर बुला के चाय दे दी है, और ये गार्ड लोग हमें अंदर नहीं जाने देते क्योंकि ओनली लेडीज जाती है अंदर। हाँ एक दो बार जाने देते हैं, फिर अभी जाएंगे हम घर, घर पे वो थोड़ा काम है, जेबा के पैर वगैरह वॉश भी कराने हैं, तो चलते हैं घर, वहीं मिलते हैं। तो गाइस अभी हम करेंगे जेबा के पैर वॉश, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि पैर वॉश सूजना है, मतलब अभी तो कम हो गई है क्योंकि कल गए थे एडमिट कराया था, तो अभी देख लो आज रात हो गई, और तो थोड़ा सा गर्म पानी से वॉश करते हैं, कसूरी पानी से ठंडा और गर्म पानी मिला के। तो मतलब कल से तो कुछ दिन आई भी नहीं जेबा, तो धोएंगे तो अच्छा रहेगा, वो साफ सुथरे रहेंगे पैर, वो भी जाएगी सूजन भी। तो अभी मिला था ठंडा पानी और थोड़ा मिला था गर्म पानी, गीजर को गुस्सा रहा, गीजर को गुस्सा रहा, गर्म पानी जल्दी जल्दी छोड़ रहा हूँ देखो। तो चलते हैं पानी मिला के, राइस अब वॉश करेंगे हमारे जेबा के पैर, ऐसे केयर करनी पड़ती है वाइफ की, करते हैं पैर वॉश, सब कुछ करना पड़ता है वाइफ के लिए। भाई पवन, हाँ भाई साहब, घर सब कुछ छोड़ के ही अपने लिए आ रहे, सब कुछ करना पड़ता है। नहीं देखा लव मैरिज की हमने, फिर हम आपको हमारी लव स्टोरी बताएंगे तो और मजा आएंगे। अभी तो आप ही देखो सेवा, अभी तो सेवा देखो, देख लो बता भी रही है कहाँ कहाँ लगानी है, सब बता दिए हो। अब हाथ से दिख लो देखो, ओके इधर जेबा ने दो दिन से पेन नहीं धोई ना, वहाँ दो दिन से अस्पताल में, तो अब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, जो भी होगा बेबी होते हैं सबसे पहले व्लॉग डालूंगा मैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये व्लॉग कौन सा है वैसे, कल वाला परसों वाला और लई वाला भी तो कर रहा हूं, मिशन की जरूरत नहीं है, बंद कर दे अभी, मैं मेल निकल रहा दब चालू करते पास से। दो दिन से इसने क्या पेन में, दो दिन से नहीं निकल लगे, जब से मत है मूवी नहीं आया था, मूवी आज कल गए थे, कल सुबह गए थे, और देख लो अभी फिर जाना है अस्पताल, अभी तो बस रेस्ट करना है थोड़ी देर में, डॉक्टर से पूछ के फिर जाना है,
मैं आपको अपडेट भी करूँगा। पर वो नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा जो भी अपडेट होगा। ऐसी सेवा किया करो अपनी वाइफ की। बस तो गाइस दोनों के बाद पूछना ही पड़ता है। वो कितना शादी कर ले, शादी करने के बाद शादी नहीं कर सकते, शादी करने के बाद सेवा करनी पड़ती है, लव मैरिज करने के बाद वो वाली बात है। दोनों के बाद नहीं, ये गुस्सा ज्यादा करती है। आपका डिले उठे लोग आया तो पता चला आपको कौन जितनी करता है। वो क्या डॉक्टर ने कैनर लगाने की कोशिश करी होगी ना, तो यहाँ पे भी लगाया, तो यहाँ पे भी लगाया दो बार लगाया ना, दो तीन बार देखो, एक दो तीन बार लगाया, फिर यहाँ पे भी लगाया, इतनी बार दर्द दिया मेरे बेटे को। गाइस हम फिर से जा रहे हैं अस्पताल, जीवन ने थोड़ी देर रेस्ट किया घर पे, इसके पैर वगैरह वॉश किए और अब जा रहे हैं फिर से हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पर जाना ज़रूरी है। रात में चेक करती थी मैम बार बार, बेटा मम्मी उधर देख रही है, दादी उधर देख रही है। चले बेटा मैं दो पाँच दिनों नींद खराब होगी, फिर बीवे आ जाएंगे, फिर आराम सोना है ना। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में और जेवा को मैंने वहाँ गेट के वहाँ उतार दिया हॉस्पिटल गेट के, और मैं गाड़ी को पार्किंग में लगाने आया हूँ। तो आइए चलते हैं, और रात की बजे देखो मैं आपको टाइम बताता हूँ, 11:03 हो रहा है, देख लो ये 11:03 हो रहा है, दिख नहीं रहा आपको, उल्टा दिख रहा होगा, तो 11:03 हो रहा है, चलते हैं अंदर फिर बताता हूँ आपको मैं। गाइस मैंने रात को घर पर आने के बाद व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि वो गार्ड वगैरह के अंदर जाने नहीं देते, और मेरे को भी नींद आ रही थी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए नींद को, और 5 दिन हो गए यहाँ पे रहते रहते, तो मैंने शूट नहीं किया। फिर उसके बाद फिर मैं अभी सुबह आया मॉर्निंग में, तो जेवा को बाहर घुमाने ले गया, थोड़ा बाहर उसके मन लग रहा था तो बाहर घुमाने ले गया, और फिर उसके लिए नाश्ता वगैरह लेके आया, और जैसा भी होगा हॉस्पिटल में मैं अपडेट देता रहूँगा। अभी हॉस्पिटल के बाहर बैठा क्योंकि डॉक्टर राउंड पे आने वाले हैं, और इसलिए मैंने रात को व्लॉग शूट नहीं किया, और मैं क्या मतलब सोने के लिए सारे सामान ले आए थे यहाँ पे, चटाई वगैरह जो भी बिस्तर वगैरह, तो मम्मी ने बोला कि हवा चल रही है, रात को ठंड भी बहुत लग रही थी, देख लो स्वेटर अभी तक पहन रखा है मैंने, तो फिर घर पे गया मैं, घर पे जाने के बाद वापस हो गया, फिर सुबह 6 बजे वापस आया मैं, सुबह 6 बजे से अभी तक यहाँ पे हूँ। जेवा के लिए समोसा कचौड़ी लेके आया, नाश्ता वगैरह उसने खाया, फिर अभी दूध वगैरह लेके आऊँगा, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। पूरे 5 दिन हो गए आज अस्पताल में आए, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, जैसा भी होगा अपडेट देता रहूँगा, नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। ओके गाइस बाय, और जो भी सवाल हो आपको, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो मैं जवाब दूंगा आपको, कमेंट में जवाब दूंगा, ऐसे बोल के जवाब दूंगा, कमेंट में जवाब दे दूंगा। ओके गाइस बाय, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार देना।